हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उनकी माली हालत कैसी रहेगी, घर में किलकारी गूंजेगी या शहनाई बजेगी, या नए तरह के कार्य करेंगे, या किसी नए व्यापार से आज आपको लाभ मिलेगा, या पुराना रुका हुआ धन मिलेगा। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे और आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, और आप आज को सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाए, अपना प्रश्न, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में कि तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है और नए तरह के कार्य करने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, और जो काम आप कल पर टालना चाहते हैं उसको तत्काल आज करना चाहिए आपको, उसको कल पर न टालें और आलस्य का परित्याग करें। अपने विजन और आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। जो आपने इमेजिनेशन कर रखा है उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का समय आ गया है। तो आप अपने टास्क ओरिएंटेड होके हार्ड वर्किंग करें, सिंसियर रहें। आज आपको माली हालत आपकी अच्छी होगी। जो भी प्रयास कर रहे हैं या प्रयासरत कार्यों में आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। विरोधी परास्त होंगे, रोग और शत्रुओं की संख्या में सक्रियता बढ़ेगी, षड्यंत्रकारी भी सक्रिय होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सारे अजात शत्रु होने के नाते आज आपको किसी भी प्रकार के शत्रुओं से कोई संकट नहीं आएगा। आपके मन में असुरक्षा की भावना डेवलप हो सकती है, इसलिए आप सकारात्मक विचारधारा रखें और सकारात्मक विचारधारा के साथ काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप कोई नए भी प्रकार का व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो उस योजना में लग जाएं, उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। माता पिता का सुख मिलेगा और नए तरह के मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्र मिलेंगे जिनके मिलने से आपको काफ़ी मानसिक संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी, एक नए प्रकार के ऊर्जा का एहसास करेंगे। गाड़ी इत्यादि अगर आपने खरीदने की प्लान कर रखी है तो गाड़ी भी खरीदने का योग बन रहा है। साझेदारी में कोई कार्य ना करें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान होते हुए दिख रहा है, और माता पिता से आशीर्वाद लेके ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि एकाग्र होकर के अपने कार्य में लगें और कोई भी कार्य कल पर न डालें, उसको तत्काल प्रभाव से आज ही प्रारंभ करें। आज आपको उपाय क्या करना है? उपाय करना है कि आप भगवान शिव को दुग्धाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव की आराधना करें, चांदी का छोटा सा चंद्रमा बनवा करके आप दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सफ़ेद वस्तु का दान करना आपके लिए हितकर रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सफ़ेद। हरे कृष्ण।